हेलो दोस्तों, आज हम कार का रिमोट रिपेयर करना सीखेंगे। आप देख सकते हो ये कार की की है और इतने पास खड़े रहकर भी इसका सेल भी बराबर है, फिर भी ये नो वर्क कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो हम इसको रिपेयर करना, देखो मैं खींच के दबा रहा हूँ फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये कैसे रिपेयर करते हैं आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। लेट्स डू प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी जिसमें ये बोल्ट लगता है। तो हम यहाँ से एक की वाला बोल्ट खोल रहे हैं। बड़े संभाल के खोलना, कभी कभी ये गुम हो जाता है। इस तरीके से बोल्ट खोल लेने के बाद बड़े संभाल के खोलना है। हर कार के रिमोट की खोलने की सिस्टम थोड़ी अलग होगी, तो इसको थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से खोलना है। इस तरीके से साइड में इसको पुश बटन दिए गए होते हैं, वो पुश बटन दबा के आप देख सकते हो इसको खींच के सारे बाहर निकाल के इसको अच्छे से धीरे से हमें टूट ना जाए इस तरीके से ओपन करना है। खोलने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर इसको जल्दबाजी करने जाओगे तो आपका काम ख़राब हो सकता है, रिमोट टूट भी सकता है। ये मदरबोर्ड क्लीनर है, आपको कंप्यूटर रिपेयर करने वाली की दुकान पर मिल जाएगा। अगर आपके पास मदरबोर्ड क्लीनर नहीं है तो आप पेट्रोल से भी सफ़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पेट्रोल कुछ देर में अपने आप निकल जाता है, वो कुछ देर तक ही हवा में रह सकता है, तो पेट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हो और मदरबोर्ड क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको अच्छे से सफ़ा कर लेना है हमें। इसकी सफाई भी बड़े अच्छे से करनी है कि सफाई में भी कोई हमें डैमेज ना आए रिमोट के इंटरनल मदरबोर्ड पर। तो ये चिप को हमें बड़े अच्छे से संभाल के साफ करनी होती है। आपको अगर पावर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में इसे अच्छे से हवा लगा के आपको सुखा देना है और कुछ देर सूखने के बाद ही इसका रीइंस्टॉलेशन करना है। तब तक कुछ नहीं करें। आप यहाँ से सेल भी बदल सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ से ही सेल बदला जाता है। ये उसका स्विच है, तो हम इसका यहाँ फिटिंग अब वापस जैसा था वैसा शुरू करने वाले हैं। तो ये स्विच जिस तरीके से था हमने उस तरीके से इसे वापस रख दिया है और इसका रीइंस्टॉलेशन हम वापस कर रहे हैं। अब हम इस गाड़ी की चाबी को देख सकते हो, बहुत ही पुरानी लुक वाइज लग रही है। उसके बजाय हम इसको एकदम न्यू ब्रांड बनाने वाले हैं। कैसे आप देख सकते हो मैं कुछ लगा रहा हूँ, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये पेट्रोलियम जेली, यानी कि सर्दियों में लगाने वाला वैसेलिन है। ये किसी भी चीज़ पर अगर इस तरीके से रगड़ा जाए तो उस चीज़ को नया कर देता है, चाहे वो लोहा हो, कलर हो या प्लास्टिक हो, कोई भी चीज़ हो उस पर आप लगा सकते हो, वो नया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मैं लगा के सफ़ा कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको सफ़ा करके दिखाने वाला हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है।
आप देख सकते हो ये चाबी अब बिल्कुल नई हो गई है, एकदम चमक रही है, शाइनिंग वाली। और ये वही चाबी है वो आप ये बोल्ट देख के, पेट्रोलियम जेली है, तो आप ये पुराना बोल्ट देख के पता कर सकते हो कि ये वही की है। बराबर है, यही बोल्ट है, देखो ये पुराना है। और चाबी देखो कितनी नई और बढ़िया हो गई है, जरिक जूम करके दिखाओ, चाबी की चमक देखो, एकदम नई चाबी हो गई है, जैसे नई कार की हो। और बोल्ट देखो ये बहुत पुराना है। तो पेट्रोलियम जेली आप देख सकते हो, ये कुछ नहीं है, वाइट पेट्रोलियम जेली, इसको वैसेलिन कहा जाता है, जो विंटर में हम हमारे हाथ पांव मुंह पर लगाते हैं ताकि हमारी त्वचा ना फटे। इसको लगाने से बढ़िया नए जैसी चमक आ जाती है, तो ये हर घर में मिलती है। तो चाबी हो गई, अब चेक कर लेते हैं, आ जाओ। दरवाजे के अंदर जो दरवाजे के लॉक करने वाला बटन है वो थोड़ा हार्ड था, तो रिमोट से वो लॉक नहीं हो रहा था, वो वायर पूरा खींच नहीं रहा है, तो लॉक वाली लाइट नहीं हो रही है। बटन दबाने पर तुरंत ओपन करने वाली लाइट हो रही है, क्योंकि डोर ओपन कंडीशन में ही है, लॉक हो ही नहीं रहा है, लॉक होने की कोशिश कर रहा है। तीन दरवाजे लॉक होते हैं, एक ड्राइवर साइड का नहीं होता था, उसकी वजह से लॉक लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन रिमोट लॉक एंड ओपन दोनों कर रहा था, बाद में मैंने उसकी सर्विस की, बाद में ये काम करने भी लग गया। रिमोट तो सर्विस हो गया था, लेकिन डोर सर्विस भी करना पड़ा।